आगे बौद्ध लगा के और दुनिया में घूम रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं, हम बौद्ध है बौद्ध है, बौद्ध है ही नहीं। अगर बौद्ध होते तो उन्हें ये कहने जरूरत नहीं पड़ती कि बौद्ध जो है विज्ञानवादी होते हैं, तर्कवादी होते हैं। जब वो जब मैंने वाणी इस्तेमाल की है, बताइए उसमें कहां पर पाखंड अंधविश्वास है? ना ही वीरेन वीरान स्मृति अचानक, बताइए कौन इनकार करेगा? संसार में कहीं भी चले कोई देश का आदमी, कोई इनकार नहीं करता। अकोची मंगावती मंगम वाली जो गाथा है, कौन इनकार करेगा बताइए? सबकी जरूरत है, बल्कि मुसलमान भी अगर उसको भी बोलोगे वो कहेगा हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, कोई इनकार करने वाला नहीं है। लेकिन हमें इसका जो है प्रचार करना पड़ेगा। इसी प्रचार को करने के लिए धम्मपद संघ ने 3 साल का कोर्स बनाया। अभी तक शायद ये प्रैक्टिस कहीं नहीं हुई है, और कहीं हो रही हो तो पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं जानता हूं कि हम लोगों ने इसका शुरुआत कर दी है और 3 साल का कोर्स बनाया है। प्रथम वर्ष का जो कोर्स है, फर्स्ट ईयर का, बहुत छोटा सा कोर्स है, ये आपके सामने जो है आया है। इसमें आधा कोर्स आपको आता ही है, जैसे क्षमा याचना सबको आती होगी, क्षमा याचना, शील याचना सबको आती होगी, नमन, तिसरण, पंचशील, धम्मपालन गाथा आप लोगों ने करी है, ये तो आपको आता ही है। इसके अलावा इसमें केवल धम्मपद की पहली 5 गाथाएं और शामिल है, इतना सा कोर्स बताइए। आप लोग जो है एक दिन में कर सकते इतना कोर्स कर लेंगे। उसके बाद गूगल मीट पे हमारी मीटिंग होती है, उसमें रोज कभी जब मैं जुड़ता हूं तो ऐसी धम्म की चर्चाएं करता हूं, धम्म की और गहरी बात बताता हूं। जब हम धम्म को सीख जाएंगे तो हम अपने चारों तरफ जो है इन बातों को करने लगेंगे। फिर दूसरे साल का जो कोर्स है, द्वितीय वर्ष का जो कोर्स है, वो है संस्कार कर्ता बनाने का कोर्स। जो मैंने आपको डिस्कस किया कि बाबा साहेब लिखते हैं कि किस तरह से भारत से एकदम से धर्म गायब हो गया, बौद्ध कहां चले गए, तो इसलिए हमें हर व्यक्ति को संस्कार करना आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि संस्कार करने वाला ना हो तो फिर से ब्राह्मण घुसा है। तो संस्कार कर्ता बनने का हमारा कोर्स चल रहा है। प्रथम वर्ष के अब तक धम्मपद संघ ने 30 आचार्य बना चुके हैं, प्रथम वर्ष के 30 धम्माचार्य बन चुके हैं, सुजाता जी उसमें से एक हैं। सेकंड ईयर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, उसमें बहुत सारे लोग एडमिशन ले चुके हैं। और जो हमारा स्कूल है उसका नाम है विश्व अशांति निवारण स्कूल। कैसा नाम है? अशांति की बात कर रहे हैं, शांति, दुनिया शांति की बात करती है। इस पर ही मैं एक बात बता दूं आपको जो है कि भगवान बुद्ध से पहले इस संसार के लोग, ऋषि मुनि तपस्या करते थे। किस लिए करते थे? सुख के लिए, स्वर्ग के लिए और अप्सराओं के लिए, सुना है ना आप लोगों ने, इसलिए करते थे। लेकिन पहली बार भगवान बुद्ध संसार में ऐसे हुए, ऐसे व्यक्ति हुए जो ना तो सुख की खोज में गए, ना अप्सराओं की खोज में, ना स्वर्ग की खोज में, किसी खोज में गए? दुख की खोज में। संसार तो सुख ढूंढ रहा है और भगवान बुद्ध दुख खोज रहे हैं। तो भगवान बुद्ध की जो फिलोसफी, वो क्या है कि दुख को खोजो और दुख के कारण को जानो, उसका निवारण जानो और उसके लिए मार्ग तलाश करके उसको अंत कर दो। अगर आपके जीवन से दुख निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा? सुख। सुख को अभी तक कोई परिभाषित नहीं कर पाया था, बताया नहीं किसी ने सुख क्या होता है। कोई बताएगा तभी तो पता लगेगा, तभी तो उसको ढूंढेंगे। अगर मैं अंदर कमरे में मोबाइल रख दूं और यहां लोग बैठे हुए लोगों से बोलूं, किसी को मालूम नहीं, किसी ने देखा नहीं मोबाइल कैसा होता है, और मैं बताऊं भी ना कि मोबाइल कैसा होता है, और मैं किसी को भी बोलूं जाओ मोबाइल लेकर आओ, क्या ले आएगा मोबाइल? मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि मोबाइल ऐसा होता है, इतना बड़ा होता है, ऐसा ऐसा होता है, बटन दबाएंगे लाइट जलेगी, तो वो जाएगा और चेक करेगा और ले आएगा मोबाइल, ऐसा ही है ना। तो यानी कि हमारे पास स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, दुख क्या है पता होना चाहिए, सुख क्या है पता होना चाहिए। तो सुख को ढूंढने वाले लोग आज तक उसको परिभाषित नहीं कर पाए थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने पहली बार दुख की खोज में गए और दुख को पहले परिभाषित किया। क्या कहते हैं? जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मना भी दुखा, शोक परिदेव दोमनसी उपाया, सापी दुखा, जम भी छंगने लभती तम भी दुखं, पिय ही विपयोगो दुखा, अप्य ही संपयोगो दुखा, संख्यतेन पंचपादान खंदापी दुखा। कि जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता तो दुख होता है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख होता है, अप्रियजनों का मिलना दुख होता है, कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। पहली परिभाषित कर दिया ना दुख को, कि दुख क्या है, दुख बता रहे हैं, सुख नहीं बता रहे हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध 5 शीलों में कुछ नहीं करने के लिए बोलते हैं। इतने बोलेंगे क्या करना चाहिए, वो कह रहे हैं भाई क्या करना चाहिए वो तो करते रहना, ये 5 बातें बस मान लो, ये नहीं करनी है, बाकी जो मर्जी करते रहो, अब ये मत करो बाकी जो करते रहो, तो बताओ जीवन में आपके क्या आएगा? सुख, शांति, समृद्धि आएगी नहीं आएगी?
इतना आसान रास्ता है भगवान बुद्ध का, लेकिन हम लोगों को ज्ञान ही नहीं है। प्रॉब्लम हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु आते हैं पता नहीं क्या करते हैं, मुझे कुछ मंत्र संत्र पढ़ते हैं, हाँ मंत्र पढ़ेंगे और जो है चले जाएंगे, लेकिन भगवान बुद्ध की बातें, उनका संदेश, कितना जरूरी संदेश है, हमें समझाते नहीं है। आप लोग भी ऐसे ही हो, लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म छोड़ के आए ना, हिंदू धर्म में कोई भी पीला वस्त्र पहनकर भीख मांगता है तो आप लोग उसको प्रणाम करते, प्रणाम साधु जी ऐसे करते ना, आज भी वही नहीं, पहले करते थे ना, हिंदू थे जब, तो वहीं से तो आए हम लोग जो है, तो आदत तो वहीं की पड़ी हुई है। तो अब भी क्या करते हैं, अब भी जो है जो बौद्ध भिक्षु होता है, कोई भी आदमी चीवर ओढ़ ले जाके उसके पैरों में लेट जाते हैं, ऐसा ही है ना, ये नहीं देखते कि ये बौद्ध भिक्षु है या नहीं है। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि यो चै वंत कस्सा वा सीले सुषमाए तो उपे तो दम सच्चे ने सैव कासा बम रहती। जो सत्य का पालन नहीं करता, सील का आचरण नहीं करता, संयम से युक्त नहीं है, वह कासा है वस्त्र को धारण करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन ये तो तब आप सोचोगे ना जब आपको जानकारी होगी, आपको पता होगा, जब ही तो आप जांच करोगे उसकी, आप खुद ही अंधकार में हो। अंधे को अंधा मिल गया है, अंधे को अंधा मिल गया तो फिर कैसे जांच होगी। तो इसीलिए जो है धम्मपद संघ आपको आंखें देने का काम कर रहा है, आपको बताने का काम कर रहा है कि क्या धम्म है, किस गुरु की शरण में जाना चाहिए, किस बौद्ध भिक्षु को दान देना चाहिए, क्या दान देना चाहिए। तो इसलिए जो है धम्मपद संघ आपको यहां पर इस मीटिंग के माध्यम से, आदरणीय आचार्य सुजाता जी के माध्यम से आपको इनवाइट करता है। रोज गूगल मीट चलती है, और हमारी पहले गूगल मीट चलती थी सुबह 5:30 से 6:30 बजे एक घंटा, और शाम को 9 बजे से 10 बजे तक एक घंटा, लेकिन क्योंकि डिमांड बढ़ी उसकी तो सुबह 5:30 से 8 बजे हो गया, दोपहर में भी 2:30 से 5 बजे हो गया, और शाम को जो है 8 बजे से रात को 11-12 बजे तक हो गया। और अभी इसको बढ़ाकर जो विश्व अशांति निवारण स्कूल जो हमारा चल रहा है उसको हम 24/7 करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास केवल 30 आचार्य हैं, जब आचार्यों की संख्या बढ़ जाएगी तो हम जो है किसी भी आचार्य से कहेंगे कि भाई आप आधा घंटे तक ये गूगल मीट पर आइए और शिक्षण कीजिए, सिखाइए लोगों को जो है ये, तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। तो 24/7 होने वाला पहला स्कूल होगा संसार का, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? अब तक आपने कोई कोई मंदिर ही खुला देखा होगा जो 24 घंटे खुलता है, शिक्षा के लिए विद्यालय खुले नहीं देखे होंगे, लेकिन हमने यह प्रयास शुरू किया है कि हम शिक्षा का ये विद्यालय विश्व अशांति निवारण स्कूल इसको 24 घंटे ऑनलाइन कर देते हैं, जब आओ जब मर्जी सीख लो, किसी के पास कोई एक्सक्यूज ना रहे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई बात नहीं, अनपढ़ हो तब भी आ जाओ। हमारे कई आचार्य अनपढ़ हैं, एक आचार्य हमारे मजदूर थे, उन्होंने पूरा कोर्स याद कर लिया, करवाया उनको याद। एक नाई हमारे बिहार से है, नाई का काम करते हैं, एक आचार्य जो है सिलाई का काम करती है। उन लोगों को हमने, कोई बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोगों नहीं हुआ, मैं रतनलाल जी के पास नहीं गया कि आप आचार्य बनिए, लक्ष्मण यादव के पास नहीं गया कि आप आचार्य बनिए, मैं उन लोगों के पास गया, उन लोगों को ढूंढा जिनकी इच्छा है कि वो बाबा साहेब की बात को, उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना जीवन लगाएं। बाबा साहेब ने अपने जीवन का एक एक पल समाज के लिए लगा दिया, तो आप भी कम से कम अपने जीवन का एक घंटा रोज, आधा घंटा रोज, वो भी नहीं तो 15 मिनट रोज, वो भी नहीं तो हफ्ते में एक घंटा रोज, एक महीने में एक घंटा रोज, कुछ ना कुछ तो आप लगाइए। अगर कुछ ना कुछ आप लगाएंगे तो बाबा साहेब का उद्देश्य जो आपके लिए ही निर्धारित किया गया है उसके सफल होना निश्चित है, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो उसकी असफलता भी उतनी ही निश्चित है। तो इसीलिए हमारा समाज हमेशा मसीहा ढूंढता है, वो ढूंढता है कि कोई बाबा साहेब आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाए, वो ढूंढता है कि कोई कांसीराम आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। लेकिन हम कहते हैं कि क्या RSS कोई कांसीराम ढूंढती है, कोई है कांसीराम उनके पास, कोई बाबा साहेब है उनके पास नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कोई पूरा कांसीराम तुम्हारे पास आएगा नहीं, कोई पूरा बाबा साहेब भी नहीं आएगा, कोई पूरा बुद्ध भी नहीं आएगा, तो क्या करते हैं कि वो अंश लेते हैं, वो कहते हैं एक काम करो भाई 1% सब कांसीराम का दो, तो 100 लोग निकालते हैं, 100 लोग अपना 1% देते हैं तो एक कांसीराम पैदा कर लेते हैं, 100 लोग मिलाकर एक कांसीराम, 100 लोग मिलाकर एक बाबा साहेब, और हजारों लोगों को मिलाकर जो एक बुद्ध बना लेंगे, कितना आसान काम है, है? तो इसी तरह से हम लोग अगर अपना 1% भी दें तो हमें अपना सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक हमारे महापुरुषों को, हमारे महापुरुषों ने जितना भी काम हमारे लिए किया है उनको अपना सब कुछ त्यागना पड़ा है, सब कुछ बलिदान करना पड़ा है। बाबा साहेब ने अपना सारा सुख चैन, 4 बच्चे, 1 बीवी, सब कुछ त्यागा जब जाके आपको ये सब दिया।
मानव साहेब कांसी राम जी ने अपना सब कुछ त्यागा जब आपको सब कुछ दिया, लेकिन आप लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ त्यागो, आप लोग कह रहे हैं कि भाई एक घंटे का अपना जो आपका भोग विलास उसे त्याग दो, एक घंटा तो समाज के लिए दे दो। अगर एक एक घंटा भी आप रोज दोगे तो इस समाज का काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब बताइए कि कितने लोग ये चाहते हैं कि भारत बौद्ध में वो हाथ खड़ा करें एक बार ईमानदारी से और सोच में करें। जी चलिए कुछ लोग मिल गए हैं, तो कितने लोग जो है अब आदरणीय आचार्य सुजाता जी के साथ मिलकर ये स्कूल ज्वाइन करेंगे, स्कूल ज्वाइन करना है पढ़ने के लिए? ठीक है, ऑनलाइन है और कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई आपसे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी सिर्फ इच्छा चाहिए कि मुझे कोर्स करना है। बाकी की जिम्मेदारी धम्पत संघ की है, धम्पत संघ बाकी की जिम्मेदारी निभाएगा। आपको कब समय है, आपको एक आचार्य दे देंगे, आचार्य को आप फोन कीजिए जब आपके पास समय हो, जब सीखिए कभी भी। उसके अलावा जो कॉमन मीटिंग चल रही है उसमें आप किसी भी आचार्य से सीख लीजिए, और बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और धन की व्यवस्था जो है आपसे मांगा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको जब लग जाए कि ये जो काम है ये समाज के लिए बहुत जरूरी है, आपको लग जाए कि ये काम पूरी ईमानदारी से हो रहा है, आपको लग जाए कि मैं भी इस मुहिम का हिस्सा हूं, आपको लग जाए कि हाँ मेरी भी बात से इंकार नहीं होता है, सुनी जाती है, न्यायिक बात होती है, तब आपको लगे कि मुझे सहयोग करना है, तब आप जो है सहयोग कर देना, अन्यथा मत करना। बिल्कुल खुली किताब है, और ये जो संघ है इसकी जो कार्यकारिणी है, सारे निर्णय इसमें कार्यकारिणी में लिए जाते हैं। पवाना विधि कितने लोगों ने सुनी है? पवाना विधि सुनिए, किसी ने पवाना विधि नहीं सुनी? बताओ, बौद्धों के लिए पता होने चाहिए। भिक्खु संघ जो है हर साल वर्षावास के बाद इसका आयोजन करता था पवाना विधि का, कि अगर उससे कोई पाप हुआ है, किसी भी भिक्खु से कोई पाप हुआ है तो पाप देश ना करे, उसको शुद्धिकरण कहते हैं। तो ऐसी ही विधि हमने अपने भीतर अपनाई है, हर बुधवार को पवाना विधि का आयोजन होता है, उसे पूछा जाता है कि भाई आपसे कोई सील का उल्लंघन हुआ हो तो बताइए, कोई जो धम्पत ने नियम बनाए हैं वो टूटा हो तो बताइए, फिर लोगों से पूछा जाता है कि भाई किसी ने किसी को नियम तोड़ते हुए देखा हो तो बताइए। इस तरह से संघ जो है लगातार अपने भीतर शुद्धि करता रहता है। समता में रहना सिखाते हैं, समता क्या है, टॉपिक ज्यादा चला जाएगा, टाइम हो गया? अच्छा अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं अब अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, फिर कभी और मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।